सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, देखो करे चित लाए, देखो करे चित लाए, चली पीढ़ी सोढ़ियाँ रूद खाण वारो वारी दल भजन गुर सूरमा वड जोधा बहुबर पुकारी जिन्हों का इस स्थान पर जो संतन दात्मा छेवें पातशाह महाराज ने जन्म पाए इसे जो इस स्थान पर शहर खां गाजी सी जो मुसलमान से इस इलाके का चौधरी से वो इस इलाके रेंद्या लोगों को तंग करता से
क्योंकि छेवें पातशाह गुरु महाराज अंतरजामियन घर घर के अंदर के जानत भले बुरे की वीर निशांत संतान ने गुरु महाराज अगे बेनती की जो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नाल उन्होंने प्रमुख सिख सन भाई बिरी चंद भाई जेठा जी माता कौला जी इस स्थान पर आए। छेवें पातशाह ने इस स्थान को पवित्र किया। संतान ने बेनती की महाराज इस स्थान से जो हुशियारखान गाजी है सानू इस इलाके बहुत तंग करता है, वो बहुत जबर करता है क्योंकि सिखा के नाल काफ़ी जालमान का मुसलमाना का जो वैर विरोध चलता रहा। इस वास्ते गुरु साहबान ने जंगा भी कीतिया ने, चार जंगा छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कीतिया। इस स्थान पर जो हुशियारखान गाजी से लोगों को तंग करता से, लोगों ने परेशान होकर संतान ने बेनती की महाराज ये जो हुशियारखान गाजी है बहुत तंग करता है। छेवें पातशाह महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उस नाल युद्ध किया। जो वो हार गया महाराज को माफ़ी मंगी, महाराज कृपा करो मेरा दुनिया से ना रह जाए, मैं नेक पाप किए ने। छेवें पातशाह महाराज ने वो नाते हुशियार नगर पिंड या पिछले बन्ने गुरद्वारा सलाई साहब के इसके पिछले बन्ने हुशियार नगर पिंड है वो हुशियार खान गाजी के नाते वसाया। छेवें पातशाह महाराज ने इस तरह इस स्थान पर चरण पाए, संगतों दिया अरदासां बेनतियां जो संगत श्रद्धा भावना लेके गुरु साहब के द्वारे आउंदियां ने। फिर छेवें पातशाह महाराज ने इत्थे छपड़ी सी उस शान किया ते वर दिता। सिखां ने कहा महाराज इस छपड़ी का पानी मैला है। महाराज कहने लगे ये उत्तम जल सर भारी, ये उत्तम जल रहेगा, इसमें जो इशान करेगा उसके सारे रोग दूर होंगे। छेवें पातशाह महाराज ने आप इशान किया, सिखा ने किया तो जो छपरी इतने सरोवर बन गया है। इस तरह गुरु महाराज ने अनेक वर दिए ने, जो भी भावना लेके गुरु चरण जाएगा श्रद्धा भावना रखेगा वो सब भावना पूरी कर देंगे। ये है इतिहास है छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का। सो भाई असी बुढ़भागे हाँ जो गुरु चरण आए हाँ, असं वाद गुरु के चरणों के नाल जुड़ना है, बाणी पढ़नी सुननी है, अपना जीवन सफल बनाना है, देश कौम की सेवा करनी है। जिस तरह सानू एनसीसी का कैंप जो उन्होंने लगाया है इस असी चंकी सिक्ख्या इन्हों की आग्ञा का पालन करके अपने चंके आचार पैदा करने। सो इतने आते हर साल जो ये बड़ी श्रद्धा भावना गुरु चरणों में हाजिरी भरते हैं, अरदास कराते हैं कि इन्होंने बच्चों की सतगुरु चरण की कला बख्शे, नाम दान गुरसिखी जीवन चंगी सिक्ख्या धारण करके इस जीवन सफल बनाना है। सो जो इन्होंने कमांडर साहब हैं अनिल कुमार जी, भाई कुलदीप सिंह जी, सुखपाल सिंह जी, इन सतगुरता पाया सह सिद्धि मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बनियाइया शब्द ता गौरी सगल मनोर नीत कहते भगत सतगुर या भरपूर बिन मात दान गुरु रचन काजे वाजे अनहद तूरे सुंदे पर वाहि का खालसा वाहि तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास सगल समगरी तुमर सूत्र तारी तुम ते हो सो आगे कलवान कोई नाउ न जाने मेरा वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री गुरु जी की सहाय
श्री हर कृष्ण ते अज्ञा जिस विच सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करुण दया दिताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह सर्व श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह जी जो जादे आचार सुनते आ जिन्हें लगे जिन्हें नाम लिखिया पवन लिखिया देव जलाए देव वाणी देव के अनिश कीता तिना प्यारे सचियारे की कमाई दा अंतर गुरु की हाय जना सिंह सिंह अंदर पे सिद्ध ते बाद बाद कटाए तो कन्या लो हन्ना चरखरिया ते चढ़े ताने आए ना नीले गए गुरुआया हम सेवा ने करवानिया कितिया तभी हाया साहिब जी जाओ सज्जन मिलिया देश सितार नैन मिंजे दस दे कान बसी दीदार ए बिनती सुन प्रभु मेरे दे नाम कर अपने दृष्टि शुभ करे हरे अब पाप सकल मल काम क्रोध आल लोभ मोह वस करै सकै बल सदा सुख मन रसै दुख संसार खोवै परसे आए गुरु जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर है बस है काम तेना सो ऐसा हरे सर्व सुख पावे मेरे मना इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम तिना सो ऐसा हर ते अज्ञाय मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना पव जल करना जह हर सिमरन भया तह उपाद गति कीनी वड पागी हर जपना जन नानक कौ गुर में मत दीनी जप हर पगडल तरना वाहे गुरुद्वारा गुरु सरस्वती साहिब तो समूह स्टाफ दास मैनेजर साहबान भाई सर भाई हरविंदर सिंह जी बेरका वालों आए एनसीसी कैंप के समूह टीचर साहबान
समूह बच्चियों का स्वागत है। गुरुद्वारा गुरुसर सतलाणी साहिब पातशाही छेवीं तन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरण शोभ प्राप्त स्थान सतगुरु महाराज जी एक दिन एक रात इस पावन स्थान के लाहौर तो होद्या सतगुरु महाराज जी ने पड़ा किया। सो आप सरबत समूह बच्चियों का समूह टीचर साहबान का इस पावन स्थान पर आने स्वागत है। समूह स्टाफ वालों समूह बच्चियों का समूह टीचर साहबान का कोटन कोट धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की वडियाईयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वडियाईयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ।